हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नाव के दो पतवार हो तो नाव ठीक से चलती है, लेकिन अगर नाव को तीन पतवारों से चलाया जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि तीसरी पतवार को आप कभी दाएं तो कभी बाएं घुमाते हैं, घुमानी पड़ती है। राजनीति में तीसरी पतवार बनना अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अच्छा तभी हो सकता है जब आप मुख्य पतवार की दिशा में नाव को लेकर जाएं, और बुरा तब हो सकता है जब आप उस पतवार से खिलाफत करें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आखिर मुख्य पतवार किसे माना जाए। हरियाणा में अगर कोई आपसे ये पूछे कि सरकार किसकी है तो आप कहेंगे बीजेपी प्लस जेजेपी प्लस निर्दलीय, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि सीआईडी किसकी, तो सच मानिए आप ये जवाब बड़ी मुश्किल से दे पाएंगे। हरियाणा में जब चुनावी नतीजों ने त्रिशंकु हालात पैदा किए तब सरकार गठबंधन वाली बनी, जिसमें एक पतवार बनी बीजेपी तो दूसरी बनी जेजेपी। लेकिन इस सरकार में सबसे बड़ी मुश्किल तो तभी आने लगी जब मंत्रालयों का बंटवारा होना था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि मंत्री पद का बंटवारा किस हिसाब से किया जाए, क्योंकि इन सभी मंत्री पदों में गृह विभाग सबसे अहम था, जो प्रदेश के सबसे ताकतवर नेता को जाता है। साल 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो गृह विभाग सीएम के अधीन था, मगर 2019 की बात अलग है। अब की बार तो गठबंधन वाली सरकार है और तीन इंजन वाली सरकार में गृह विभाग का बंटवारा सबसे बड़ी मुश्किल बन गया। अंबाला छावनी पर अपना एक छत्र राज जमाने वाले विधायक अनिल विज को पिछली बार तो पार्टी ने कोई खास तोहफा नहीं दिया था, मगर इस बार पार्टी ने उनका भारी भरकम प्रमोशन कर दिया। पार्टी नेतृत्व ने सीधे अनिल विज को गृह मंत्रालय ही दे दिया। इस एक पद को बांटकर पार्टी ने सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत को शांत कर दिया। लेकिन इस प्रमोशन के साथ ही एक नई मुश्किल शुरू हो गई, क्योंकि गृह विभाग भले ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज के पास था, लेकिन सीआईडी के दरवाजे पर अभी भी सीएम मनोहर लाल का नाम था। जब इसका कारण पूछा गया तो गृह मंत्री ने कहा, सरकारें चलती हैं रूल ऑफ लॉ से, और हरियाणा बिजनेस ऑफ एलोकेशन में पेज नंबर 30 पर होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत रूल 5 में साफ लिखा हुआ है कि सीआईडी इसका अभिन्न अंग है। और वैसे मुख्यमंत्री जी सुप्रीम होते हैं, वो चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं, पर बदलने के लिए पहले कैबिनेट में पास करवाना पड़ेगा, फिर विधानसभा में पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद इसको बदला भी जा सकता है। मेरा अफसरशाही से कोई झगड़ा नहीं है, मेरा काम ना करने वालों को ठीक करना मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी है, और वो मैं आखिरी सांस तक करता रहूंगा। यानी कैबिनेट मंत्री मानते हैं कि विभाग सीएम ले सकते हैं, लेकिन बिना कैबिनेट बैठक के ये मुमकिन नहीं। अब गृह मंत्री ने इसे कैबिनेट का फैसला बताया तो लाजमी था कि सवाल सीएम से होना था कि क्या सीआईडी विभाग फिलहाल उनके पास है, अगर है तो कैबिनेट बैठक कब हुई। मगर सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया, सीएम के पास अभी जो है सीआईडी डिपार्टमेंट नहीं है, इसके लिए कैबिनेट में जो है इसको पास कराना पड़ेगा, इंटरनल मामला करना। सामाजिक तौर पर इस जवाब को एक सटीक जवाब कहा जा सकता है कि ये मंत्रालयों का अंदरूनी मामला है, मगर राजनीतिक तौर पर इस बयान पर कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं, और इन सवालों में एक सवाल तो ये जरूर होगा कि क्या सचमुच अंदर सब कुछ ठीक है। इस बारे में डिप्टी सीएम से भी बात करने की कोशिश की गई, क्योंकि नाम के लिए ही सही सेकंड इन कमांड तो उन्हीं को दिया गया है, लेकिन वो इस मामले पर फिलहाल मौन रहना ही ठीक समझ रहे थे। सर राइस मिल का घोटाला भी आया है 90 करोड़ का भी। प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले से चली आ रही ये नाराजगी अब धीरे धीरे सियासी गलियारे की चटपटी बात बनती जा रही है। तबादले में नाराजगी इस हद तक बढ़ गई थी कि बात दिल्ली दरबार तक चली गई, जिसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन को खुद कहना पड़ा कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, मेरी बात दोनों से हो गई, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हो गई और गृह मंत्री जी से भी हो गई है, कोई ऐसी नहीं है। ये कहीं ना कहीं ज्यादा ओवर प्ले हो रहा है, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरी दोनों से स्पष्ट बात हो गई। जो मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के
उनके नेतृत्व में सरकार है और सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री रहते हैं और हैं, और गृह मंत्री जी को भी उनके जो उनके काम है वो काम कर रहे हैं, इसमें कोई आपस में दोनों में कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, कहीं मिसकम्युनिकेशन कहीं हुआ होगा किसी को, तो उससे ये भ्रांति निकली है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अनिल विज ने मीडिया के सामने खुद कहा था कि सीएम मनोहर लाल उनके दोस्त हैं और रहेंगे। अब इस दोस्ती में दल एक है, मगर लग रहा है विचार अलग अलग हो गए हैं। तभी तो एक दोस्त इस पर कैबिनेट की मुहर चाहता है, जबकि दूसरा दोस्त ये कह रहा है कि हमारा इंटरनल मैटर है। यानी नाव में दो पतवार तो ठीक थे, पर ये तीसरी पतवार राजनीतिक नाव के संतुलन को अब बिगाड़ रही है, जिसे संभालना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।